नमस्कार, अचना डेली के सीज में आपका स्वागत है। आज मैं दाल पालक बनाने जा रही हूँ। दाल पालक बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही हेल्दी डिश है। इसको बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। इसको मैं कुकर में बनाने जा रही हूँ। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दाल पालक बनाने के लिए मैंने कुकर लिया है और उसमें 2 छोटे चम्मच ऑयल डालूंगी और उसमें बारीक कटा हुआ पालक, इस तरह से बारीक कटा हुआ पालक आप उसमें डाल दें और सारा पालक आप इसको इसमें डाल दें और इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे। इसको थोड़ा सा चलाना है लगभग 1 मिनट तक। अब हम इसमें धुली हुई अरहर की दाल डाल देंगे। मैंने 1 कटोरी दाल ली है। और फिर इसको चला देंगे। ये बहुत ही हेल्दी है। और इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर का डाल देंगे और फिर हम थोड़ा सा इसको चला लेंगे। लगभग फिर से 1 मिनट तक हम इसको चलाएंगे और इसमें हम 4 कटोरी पानी डाल देंगे, क्योंकि 1 कटोरी मैंने अरहर दाल ली थी तो 4 कटोरी पानी डालना है। अब हम कुकर को बंद कर देंगे। कुकर को बंद करके 1 सीटी आने के लिए छोड़ देंगे और 1 सीटी आने के बाद 20 मिनट तक गैस पे इसको कम आंच पे रख देंगे। इधर मैं इसका तड़का तैयार कर लूँगी। तड़का तैयार करने के लिए आप एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल और 1 चम्मच घी ले लेंगे और उसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। घी ऑप्शनल है, आपका मन है तो डाल सकते हैं, नहीं मन है तो कोई बात नहीं। और जीरा डाल देंगे इसमें 1 चम्मच और तेज़पत्ता। जब जीरा थोड़ा सा गोल्डन होने लगे तब तेज़पत्ता डालना है और 1 लाल सूखी मिर्च भी तोड़ के हम इसमें डाल देंगे और हींग 2 चुटकी हींग डाल देंगे और 1 चम्मच अदरक। और 1 हरी मिर्च काट कर हम डाल देंगे बारीक काट के और उसमें 1 टमाटर भी बारीक काट के, 1 बड़ी टमाटर मैंने ली है उसको भी बारीक काट के हम डाल देंगे इस तरह से और थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लेंगे। अब हम इसको सॉफ्ट करने के लिए 1/4 चम्मच नमक भी डाल देंगे, क्योंकि टमाटर में भी नमक चला जाएगा, और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। और फिर से हम चला लेंगे इसको और 1/2 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर डालें या फिर बाहर से भी आप डाल सकते हैं। और इसको हम एक बार अच्छे से चला लेंगे। अब देख रहे हैं आप, टमाटर भी सॉफ्ट होने लगे हैं। इसको थोड़ी देर लगभग 1 से 1.5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। अब हम अपना दाल खोल के देख रहे हैं कि ये पकी है कि नहीं पकी है। देख रहे हैं दाल गल चुकी है और पालक भी मिक्स हो चुका है। इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे इस तरह से और इसमें हम तड़का डाल देंगे। गरम गरम तड़का ही डालेंगे। और तड़के के साथ इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। बच्चों को, बड़ों को, सभी को आप खिला सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।